एक्शन। ओह गॉड, आई एम सो इरिटेटेड ना यार, मैं पता भी नहीं सकता। आई मीन क्या करूं मैं इस लड़की का। हाँ जस्ट टेल मी वन थिंग, कोई इतना रूड, इतना बदतमीज और इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है? एंड नो वंडर्स मेरी मॉम ने मेरी शादी इसी लड़की से फिक्स कर दी। कैन यू बिलीव इट? गॉड आई एम स्क्रूड। यू नो एक सेकेंड नहीं झेल सकता मैं उसे, पूरा लाइफ टाइम कैसे झेलूंगा? हाँ गॉड समवन सेव मी फ्रॉम दिस ब्लंडर यार। अभी कैसी बातें कर रहा हूं यार, आई मीन जिस लुक रहा हूं यार, आज मैं जो कुछ भी हूं साक्षी के डैड की वजह से। तुम यू नो डैड की डेथ के बाद ना उधर अंकल ही थे जिन्होंने मुझे और मॉम को संभाला। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? सो this is my destiny now. And this makes perfect sense, you know. जब रुद्र अंकल मॉम से शादी की बात करने गए होंगे ना, तो मॉम के पास हाँ कहने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। शायद इसलिए मॉम ने हाँ कर दी। मैं साक्षी से शादी नहीं कर सकता। I just can't, क्योंकि 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 आज भी मेरे दिल में, मेरे thought process में, in fact कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में वो टिफिन वाली लड़की, यू नो 10 साल हो गए उससे टकराए, एंड उसका चेहरा जैसे हमेशा ना यार, जब भी आंखें बंद करता हूं हमेशा उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है, पता। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आज तक उस लड़की के चक्कर में ना मैंने किसी को डेट भी नहीं किया। इनफैक्ट जब से आया हूं उसी को ढूंढ रहा हूं, पता है हर रोज उस जगह पे जाता हूं जहां पे वो इंसिडेंट हुआ था। यू नो मैं उस पर इतने गंदे तरीके से चीखा था ना, बट स्टिल शी हेल्प मी, शी वाज सो स्वीट, शी वाज सो कंपैशनेट, यू नो। ओह गॉड, गॉड अगर आज आप सुन रहे हो ना, बस मुझे ना आपसे एक विश मांगनी है, प्लीज प्लीज मुझे बस एक बार उस लड़की से दोबारा मिलवा दो। आई स्वेयर मैं आज के बाद आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक बार। यू नो आई रियली होप दैट आई मीट अ समवेयर।